मऊ जिले के दोहरी घाटल थाना क्षेत्र के रसूलपुर पुलिस चौकी अंतर्गत जमुनीपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बेटे ने अपने पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मऊ जिले के दोहरी घाटल थाना क्षेत्र के रसूलपुर पुलिस चौकी अंतर्गत जमुनीपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बेटे ने अपने पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरा मामला है, आपको बता दें कि घर में कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें जमीन के बंटवारे को लेकर आए दिन पिता पुत्र के बीच विवाद होता रहता था। सूर्यनाथ चौहान का देर रात अपने पिता से दोबारा विवाद हुआ तो उसने अपने पिता को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। पिता को पीटते देखकर उसकी बेटी गांव वालों को बुलाने लगी, लेकिन मदद के लिए कोई भी गांव वाला मौके पर नहीं पहुंचा तो उसने ग्राम प्रधान को फोन कर बुलाया। जैसे ही ग्राम प्रधान उसके घर पहुंचे तो पिता की पिटाई कर बेटा ग्राम प्रधान को देखते ही मौके से फरार हो गया। ग्राम प्रधान ने घायल रामहित चौहान को दोहरी घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने बताया कि वो मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी बेटे की तलाश कर रही है। मेरे पिताजी अपने दरवाजे पर बैठे थे, भाई मेरे आए कहीं से और कोई बात भी नहीं उनसे कल की, एकदम शांति से थे और डंडा उठाए उनको मारने लगे। तो वो बोले काहे तो हमके मारत हवे रे, तू अपन मेहरारू ना सामार पहले तू हमके तना मारत हवे, मत मार। तब वो एक तार मारा उनके, कहना ए बेटा मत मार रे हम मर जाए, बे बेटा मत मार हम मर जाए मुआ दे बेकारी। तब ना सुना एक तार डंडा मारत गई ना हम चिल्लाई नी, सब अगली बगली से क्यों ना आए। फिर प्रधान जी के लगे हम दौड़ल गए नी, एक जने से नंबर मंगनी प्रधान जी के फोन कैनी। फिर प्रधान जी जब आईना तबले वो मरते रहे, जब जैसे ही वो रोका ना गाड़ी का वो देखला गाड़ी का आवाज तुरंत भागल, अब ओकर बाद सुकर पता ना चला। फिर पुलिस आए लोग, फिर हम एम्बुलेंस से इधर हमारे बाबूजी के लेके गए लोग थाने पे जो हॉस्पिटल में, वहाँ में दवाई उवाई लावे लगाओ लोग बोतल वोतल कुल देखा लोग, तब ले हमारे बाप मर गए। हाँ, जमनी पार्क की कल शाम 6 बजे लगभग 6 बजे ये घटना है, जिसमें सूर्यनाथ चौहान और उसके पिता रामहित चौहान हैं। तो सूर्यनाथ चौहान जिसकी शादी हुई थी उसका पत्नी से अक्सर टेंशन रहता था, क्योंकि ये शराब वराब पी करके जो है अपनी पत्नी को मारता था। उससे नाराज़ होकर के पत्नी जो है अपने मायके चली गई थी, तो ये अपने पिता से कह रहा था कि आप जाइए और हमारी पत्नी को ले आइए। तो पिता द्वारा यही बात कही गई कि तुम उसको मारते पीटते हो तो हम क्यों जाए लाने के लिए। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ गया और वो उससे में आकर के, चूँकि वो शराब भी पिए हुआ था जैसी जानकारी हुई है, उसने लाठी उठा करके उनको कई लाठियां मारी जिसमें उनका हाथ पैर भी टूट गया है। और फिर वहां से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में दोहरी घाट में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। और जो मारने वाला है उनका लड़का सूर्यनाथ चौहान है, दबिश भी उसके घर पर डाली गई है, लेकिन वो फरार है और उस पुलिस उसको खोज रही है और जल्दी उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।